রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফা'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু সাদাকাল্লাহুল আলিয়্যুল আযীম ওয়া বাল্লাগানা রাসূলুহুন নাবিয়্যুল আমিনুল করিম ওয়া নাহনু আলা যালিকা মিনাশ শাহিদিন ওয়া শাকিরিন ওয়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। হায়াতে সাহাবা কে সিলসিলে মে আজ चंद हज़रात का हम जिक्र करेंगे। बद्री सहाबा में से हज़रत उबैदा इब्ने हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका जो है आप जंग बद्र में सबसे पहले जंग करने वालों में से यानी शामिल हैं और सबसे अखीर में शहादत पाने वालों में, यानी जंग बद्र में सबसे पहले आपने जंग की और शहीद सबसे अखीर में हुए। हज़रत उबैदा इब्ने हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है, आपका नाम उबैदा है, वालिद का नाम हारिस, सरकार के चचा के लड़के हैं, हारिस सरकार के चचा हैं, तो चचा के लड़के हैं, चचा साथ भाई हैं सरकार के, और कबीले कुरैश से आपका ताल्लुक़ है। अब्द मुनाफ में जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका सिलसिले नसब मिल जाता है। तो उबैदा इब्ने हारिस इब्ने मुत्तलिब इब्ने अब्द मुनाफ, ये आपका नसब है। आपकी वालिदा का नाम सनहीला था। आपने जो है इस्लाम कबूल किया दार अरकम में सरकार के जाने से पहले, यानी सरकार ने दार अरकम में अपना ठिकाना बनाया, वहाँ लोगों को जमा फरमाते, सहाबा जमा होते, उससे पहले ही आप इस्लाम ले आए थे। और इनके बाद आपके दो भाई हज़रत तुफैल इब्ने हारिस और हुसैन इब्ने हारिस, ये दोनों भाई भी मुसलमान हो गए, तो तीनों के तीन जो हैं मुसलमान हो गए थे। मक्का में सरकार ने हज़रत उबैदा इब्ने हारिस और हज़रत बिलाल को इस्लामी भाई करार दिया था कि ये दोनों आपस में इस्लामी भाई हैं। हज़रत उबैदा इब्ने हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मक्का में बड़ा आला मकाम था। आप कुरैश के सरदारों में शुमार किए जाते थे और बड़े ही यानी कि मुअज़्ज़ज़ थे, बड़े बाइज़्ज़त थे। जब यानी मदीने की तरफ हिजरत होने लगी तो हज़रत उबैदा इब्ने हारिस, हज़रत यानी इनके दोनों भाई हज़रत तुफैल इब्ने हारिस, हज़रत हुसैन इब्ने हारिस, ये तीनों एक साथ थे, और साथ में चौथे थे हज़रत मिस्ताह इब्ने उसासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये चारों ने एक साथ हिजरत करने का प्लान किया। हज़रत उबैदा इब्ने हारिस, इनके दो भाई तुफैल इब्ने हारिस और हुसैन इब्ने हारिस, और चौथे हैं हज़रत मिस्ताह इब्ने उसासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चारों ने हिजरत एक साथ करने का यानी कि प्लान किया। हज़रत मिस्ताह इब्ने उसासा के बारे में भी मैं अभी बताता हूँ। इन चारों ने हिजरत के लिए एक प्लान बनाया कि हम मकाम नाजिह, एक जगह का नाम है, वहाँ पर हम चारों जमा होंगे और वहाँ से फिर हम आगे एक साथ हिजरत करेंगे, एक साथ सफ़र करेंगे, चारों वहाँ छुपे यानी छुपते छुपाते यहाँ से मक्का से निकल जाएं, नाजिह में जमा हों और वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तीनों तो पहुँचे, तीनों भाई पहुँच गए, हज़रत मिस्ताह नहीं पहुँचे। रास्ते में उन्हें जो है बिच्छू ने या सांप ने डंक मार दिया, तो वो वहीं पर रुक गए। ये तीनों आगे बढ़े। दूसरे दिन खबर मिली कि मिस्ताह इब्ने उसासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो बिच्छू ने डंक मारा, वो चल फिर नहीं सकते हैं, तो ये तीनों वापस लौटे और फिर मिस्ताह इब्ने उसासा को उठाकर मदीना ले गए। और जब मदीना पहुँचे तो फिर वहाँ पर हज़रत अब्दुर्रहमान जो है उनके घर में आपने क़याम किया। अंसारी सहाबी थे, अजलानी सहाबी थे, वहाँ जाकर उन्होंने क़याम किया मदीना मुनव्वरा में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके वहाँ से वापस यानी कि मक्का से मदीना आए, तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने सलमा अजलानी के घर ये लोग ठहरे हुए थे। सरकार ने उन्हें जो है हज़रत उमैर इब्ने हम्माम, अंसारी सहाबी थे, उनके साथ भाईचारा कायम किया। हज़रत उबैदा इब्ने हारिस का भाईचारा जो है वो उमैर इब्ने हम्माम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आपने भाईचारगी कर दी यानी कि भाई बना दिया। और एक ज़मीन का टुकड़ा भी अता फरमाया जिसमें आपका हज़रत उबैदा इब्ने हारिस का पूरा ख़ानदान आबाद हुआ। सन हिजरी यानी कि पहली हिजरी ही में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम राबिग की जानिब काफ़िले कुरैश का पीछा करने के लिए हज़रत अबू उबैदा इब्ने हारिस को भेजा। पहला सरिया, सरिया और गज़वा दो चीज़ें, एक है सरिया एक है गज़वा। दोनों में फ़र्क ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें बज़ाते ख़ुद तशरीफ़ ले जाए, जिस लश्कर में और जिस जमात में, उसे गज़वा कहते हैं, और जहाँ सरकार तशरीफ़ न ले जाए, सिर्फ सहाबा को भेज दें, तो उसे सरिया कहते हैं। तो सबसे पहला इस्लाम में सरिया हज़रत हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। सरकार ने उनके लिए झंडा, सफ़ेद झंडा बांधा। दूसरा हज़रत उबैदा इब्ने हारिस का था, और दोनों सरिये जो हैं एक साथ ही
दोनों के लिए झंडा एक साथ बांधा था। पहले हज़रत हमज़ा का यानी कि सरिया रवाना हुआ, फिर उसके बाद जो है उबैदा इब्ने हारिस का सरिया रवाना हुआ। तो ये दूसरे नंबर का सरिया था हज़रत उबैदा इब्ने हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और आपके साथ 60 या 80 मुहाजरीन सहाबा थे, सब के सब मुहाजरीन थे। और फिर ये लोग मकाम राबिग़ की तरफ गए, ये मुल्क शाम जाते हुए रास्ते में मकाम राबिग़ है, तो वहाँ तक गए। अबू सुफियान की क़यादत में ये काफ़ले तिजारत जा रहा था। मकसद ये था, यानी काफ़लों का पीछा करने का मकसद ये था कि इन्हें परेशान किया जाए, इन्हें रोका जाए, इनके रास्ते को रोका जाए, इन्हें परेशान किया जाए, ताकि ये मुसलमानों को सताना छोड़ दे, मुसलमानों को परेशान करना छोड़ दे, मुसलमानों से छेड़खानी करना छोड़ दे, मकसद ये था। तो सरकार ने है तो अबू उबैदा इब्ने हारिस के लिए यानी कि सफ़ेद झंडा बांधा था, और उबैदा इब्ने हारिस के लश्कर में जो अलम बरदार थे वो हत मिस्ताह इब्ने उसासा रदियल्लाहु तआला अन्हु थे, है ना। इनका जिक्र अभी मैं करने वाला हूँ, हत मिस्ताह इब्ने उसासा। बहरहाल ये लोग जो है मकाम राबिग तक गए, और वहाँ जाकर जो है आमना सामना हुआ, यानी कि कोई सफ़े नहीं लगी, जंग भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि एक दूसरे को थोड़ा सा डराया और कुछ तीर चलाए। हत साद इब्ने अबी वक्कास रदियल्लाहु तआला उन्होंने कुछ तीर चलाए, और फिर वो मैंने बताया था कि पहले हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास वो पहले सहाबी है जिन्होंने अल्लाह की राह में इस्लाम के लिए तीर चलाया। ये वो मकाम था सरिया उबैदा इब्ने हारिस में। फिर उसके बाद जो है ये लोग वापस आ गए, कुफार भी भाग गए, ये लोग भी वापस मदीना आ गए, कोई जंग नहीं हुई। फिर उसके बाद ये अबू सुफियान ही का काफ़िला जब वापस लौट रहा था तो फिर सरकार निकले थे, और फिर मैदान बद्र में जंग हुई। मैदान बद्र में भी उबैदा इब्ने हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरीक थे, सरकार के साथ थे, और सबसे ज़्यादा उम्र वाले थे, अल्लाह के रसूल से 10 साल बड़े थे उम्र में। आप जो है जंगे बद्र में शरीक हुए, सरकार 53 साल के थे, और हज़रत उबैदा इब्ने हारिस जो हैं ये 63 साल की उम्र थी आपकी। तो हज़रत उबैदा इब्ने हारिस पूरे लश्कर में सबसे ज़्यादा उम्र के थे, 63 साल की उम्र थी आपकी। और सबसे पहले जिन लोगों का जंगे बद्र में मुकाबला हुआ मैंने बताया था, हज़रत अमीर हमज़ा, हज़रत अली और उबैदा इब्ने हारिस, ये तीनों निकले थे उधर से, उतबा शैबा और वलीद इब्ने उतबा, उतबा शैबा दोनों रबिया के बेटे, और वलीद इब्न उतबा, ये तीनों निकले थे, एक ही ख़ानदान के थे। और इन्होंने यानी जब कहा हल में मुबारिस है कोई हमसे मुकाबला करे, तो उधर से 3 अंसार निकले थे, इन्होंने वापस कर दिया। मैंने बताया था वाक़ इससे पहले, तीनों ने वापस कर दिया कि हमारी टक्कर का, हमारे ख़ानदान का कोई हमारे सामने भेजो। तो फिर सरकार ने हत अमीर हमज़ा, हत अली और उबैदा इब्न हारिस को भेजा। हत अमीर हमज़ा चचा हैं, हत अली और हत उबैदा इब्न हारिस, अली इब्न अबू तालिब और उबैदा इब्न हारिस, ये दोनों चचाजाद भाई हैं, इन तीनों को भेजा। और फिर दोनों में मुकाबला हुआ, और यानी कि उतबा इब्ने रबिया और हज़रत उबैदा इब्ने हारिस, इन दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ। कुछ देर मुकाबला चला, आपको यानी कि बहुत से ज़ख्म भी लगे, आप ज़ख्मों से चूर भी हुए, और आपकी पिंडली बिल्कुल जो है यानी कि कट गई थी, और ऐसी यानी कि टूट गई थी आपकी पिंडली के उसमें से जो हड्डी के अंदर जो गूदा आता है वो गूदा बहने लगा था। आपको हत अली और अमीर हमज़ा उठाकर वापस ले गए खैमे में, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। तो इन्होंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में यानी सवाल किया था, या रसूलल्लाह क्या मैं शहादत से सरफराज नहीं होऊंगा, यानी मुझे शहादत नहीं मिलेगी। यानी होता यह है कि अगर जंग, यानी मैंने पहले बताया था कि अगर मैदान जंग से उठाकर ले जाया जाए और फिर उनका इलाज हो और वो कुछ दिन या कुछ वक्त के लिए ज़िंदा रहें और दुनिया से थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाएं, तो फिर वो शहीद नहीं कहलाए जाते, फिर वो वफात याफ्ता कहलाएंगे। तो इन्होंने कहा कि अब यानी मुझे उठाकर ले आए, पता नहीं कब मेरा इंतकाल हो, तो क्या मेरी वफात होगी, शहादत नहीं होगी। सरकार ने फरमाया तुम शहीद हो, अल्लाह तुम्हें शहादत से सरफराज फरमाएगा। फिर जब जंगे बद्र से वापस लौट रहे थे तो मकाम सफरा में आपकी वफात हुई, यानी आप शहीद हो गए, सरकार ने फरमाया कि तुम शहीद हो। तो मकाम सफरा में आपकी शहादत हुई, वहीं पर आपको दफन किया गया। फिर एक वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से वहाँ से गुज़रे मकाम सफरा से, और वहाँ सहाबा किराम के साथ क़याम किया, तो वहाँ मुश्क की खुशबू आ रही थी,
तो सरकार यानी सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हमें मुश्क की खुशबू आ रही है। सरकार ने फरमाया क्यों ना आए, इस पर ताज्जुब की क्या बात है, यहाँ उबैदा इब्न हारिस की कब्र है। हत अबू उबैदा इब्न हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो कुनियत थी वो अबू मुआविया थी और अबुल हारिस थी, अबुल हारिस और अबू मुआविया ये आपकी कुनियत थी। तो सरकार ने फरमाया कि क्यों खुशबू ना आए, यहाँ अबू मुआविया यानी उबैदा इब्न हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मौजूद है। तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है, खुशबू आ सकती है मुश्क की। तो ये थे हज़रत उबैदा इब्न हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनके दो भाई हुसैन इब्न हारिस और तुफैल इब्न हारिस, ये यानी कि हज़रत उबैदा तो 63 साल में जंग बद्र ही में सन हिजरी 2 ही में शहीद हो गए, इनके ये दोनों भाई जो हैं ये जंग बद्र में भी शरीक हुए, दोनों बद्री भी हैं और साथ ही साथ गज़वे खंदक, गज़वे उहद, खंदक और तमाम गज़वों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। और ये यानी कि दोनों भाइयों की वफ़ात जो है सन हिजरी 32 में हुई, पहले हज़रत तुफैल इब्न हारिस की वफ़ात हुई और उनके 4 महीने के बाद हुसैन इब्न हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी वफ़ात हो गई। तो ये दोनों की वफ़ात जो है सन हिजरी 32 में हुई है, उस वक्त इन लोगों की उम्र जो है 70 के करीब थी, तकरीबन 70 साल के करीब थी इन दोनों की वफ़ात हुई। हज़रत मिस्ताह इब्ने उसासा, हज़रत मिस्ताह का नाम औफ है, औफ इब्ने उसासा आपका नाम है, आपकी वालिदा उम्मे मिस्ताह के की कुनियत वाली है, उम्मे मिस्ताह आपकी कुनियत है, नाम है सलमा बिनते सख्र, ये जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खाला रईता की बेटी हज़रत सलमा बिनते सख्र, उनके बेटे हज़रत औफ इब्ने उसासा हैं जिन्हें मिस्ताह इब्ने उसासा कहा जाता है। औफ नाम कोई नहीं जानता, अक्सर जो है मिस्ताह के नाम से मशहूर हैं, मिस्ताह इब्ने उसासा, और इनकी माँ उम्मे मिस्ताह के नाम से मशहूर हैं। बुखारी में बड़ी तवील हदीस है इनके हवाले से। बहरहाल हज़रत मिस्ताह इब्ने उसासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी जो है पहले यानी कि मक्के मुअज़्ज़मा में मुसलमान हो गए थे और फिर सरकार ही के साथ क़याम पज़ीर रहे, उसके बाद मदीने की तरफ हिजरत की, मदीने में यानी जो हिजरत का वाक़या वो हज़रत उबैदा इब्ने हारिस के साथ इन्होंने हिजरत की और फिर उसके बाद आप जंगे बद्र में भी शरीक हुए, बद्री सहाबी हैं और उसके बाद दीगर गज़वात में भी आपने शिरकत फरमाई। हज़रत मिस्ताह इब्ने उसासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं आप उन सहाबा यानी कि एक ऐसे सहाबी हैं कि जिन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जब लोगों ने तोहमत लगाई, मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई, तो मोमिनीन सहाबा में से इन्होंने भी शिरकत की, हज़रत मिस्ताह इब्ने उसासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत मिस्ताह इब्ने उसासा, हसान बिन साबित और हमना बिनते जहश, हमना बिनते जहश ये मुसअब इब्ने उमैर जिनका हमने कल तस्करा किया था उनकी बीवी थी, है ना, उनकी शहादत के बाद फिर उनका निकाह दूसरे सहाबी से हुआ। बहरहाल तो हमना बिनते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये तीन लोग थे जो मुनाफिकीन की बातों में आ गए और हज़रत आयशा पर तोहमत लगाने वालों में शामिल हो गए। बाद में इन्हें सज़ा भी दी गई, 80 कोड़े इन्हें लगाए गए थे। तो हज़रत मिस्ताह इब्ने उसासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनमें से थे कि जिन्होंने हज़रत आयशा पर तोहमत लगाने में हिस्सा लिया। हज़रत आयशा को पता नहीं था कि उन पर तोहमत लगी हुई है, वो सफ़र से आई थी और आखिर बीमार हो गई तो हुजरे ही में थी, लेकिन यानी कि एक दिन जो है एक महीना गुजर गया, ये बीमार की बीमार रही, इनको पता ही नहीं है कि बाहर क्या बातें चल रही है। एक दिन उम्मे मिस्ताह ये आईं और आने के बाद उन्होंने कहा कि आयशा चलोगी, उस ज़माने में यानी कि टॉयलेट जो है वो घरों में नहीं होते थे और अरब वाले जो है इसे नापसंद करते थे कि जहाँ हम रहते हों, सोते हों, खाते पीते उठते बैठते वहीं पर पाखाना पेशाब हो, ये नापसंद करते थे, तो इसलिए वो यानी कि पाखाने का सिस्टम था ही नहीं और पूरे अरब में ये रिवाज ही नहीं था। ये लोग जो है मैदान में जाते थे, खुले मैदान में, तो बिल्कुल सुबह जाते यानी कि अभी ये अंधेरा है तो चले जाते, फिर रात में जो ईशा के बाद अंधेरे में जाते, मर्द औरत दोनों के अलग अलग मैदान थे, मर्द इधर जाते तो औरतें इधर जाती, हर एक का अपना अपना यानी के मकाम था। तो बहरहाल उम्मे मिस्ताह आई और कहा कि आयशा चलोगी कज़ाए हाजत के लिए, हज़रत आयशा ने कहा चलो, तो फिर ये दोनों रवाना हुए और फिर जब वापस लौट रहे थे यानी कज़ाए हाजत करके अपनी ज़रूरत से फारिग होकर वापस लौट रहे थे तो हज़रत उम्मे मिस्ताह की चादर में उनका पैर यानी कि फंस गया और वो गिरी, और जब गिरी तो उन्होंने कहा तईसा मिस्ताह,
उन्होंने कहा कि मिस्ता हलाको बर्बाद हो, अपने बेटे को बद्दुआ दी कि मिस्ता हलाको बर्बाद हो। तो हज़रत आयशा सिद्दीका ने हज़रत मिस्ता का आला मकाम जो था वो बयान किया। उन्होंने कहा कि तुम अतसुबीना मिस्ता, क्या तुम मिस्ता को बुरा भला कहती हो, हालांकि मिस्ता बद्री साहबी है और बद्री साहबा को बुरा भला नहीं कहा जा सकता, है ना, वो तो बद्री साहबी है। तो हज़रत उम्मे मिस्ता ने फिर बताया था, ए आयशा तुझे पता है वो क्या कहता है, का क्या कहता है। तो फिर हज़रत उम्मे मिस्ता ने सारा वाक़या बयान किया कि ऐसा ऐसा हुआ और तुम्हारे बारे में लोग ऐसी बातें करते हैं, तुम पर तोहमत लगाई गई है ना, बदकारी की तोहमत लगाई गई है। तो हज़रत आयशा को पता चला, इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर उसके बाद सरकार से इजाज़त लेकर वो अपने घर गई कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, सरकार ने भी इजाज़त दे दी। बहरहाल तो ये जो है हज़रत उम्मे मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत आयशा को बताया, तब जाकर उन्हें पता चला हज़रत मिस्ताह बद्री सहाबी थे। अल्लाह तबारक व ताला ने अस्हाबे बद्र के ताल्लुक से फरमाया कि अल्लाह ने अस्हाबे बद्र को मुआफ़ कर दिया, उनकी जो भी खताएं गुनाह जो भी होंगे दुनिया में अल्लाह ने सब मुआफ़ कर दिया, उनके लिए माफ़ी का वादा है, अल्लाह ने उनसे माफ़ी का वादा फरमाया तमाम असहाबे बद्र के लिए। और इस वजह से असहाबे बद्र का बड़ा आला मकाम है। एक दिन हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम आए और मैदान बद्र में फरिश्ते भी यानी कि जंग में शरीक हुए थे। और एक बात मैं आपको बताऊँ, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यानी कि ज़िक्र में ये बात रह गई थी, मैं आज बता दूँ कि हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग बद्र में जर्द रंग का पीले रंग का इमामा पहना हुआ था और सरकार ने फरमाया कि आज 5000 जो फरिश्ते नाजिल हुए हैं उन सब ने भी ज़ुबैर इब्न अव्वाम जैसा इमामा पहना हुआ है, है ना, जर्द रंग का इमामा पहना हुआ था हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम की तरह। तो ये 5000 फरिश्ते नाजिल हुए थे, अल्लाह ने बद्र में नाजिल किए थे मुसलमानों की मदद के लिए कि यहाँ यानी कि मुसलमान 313 थे और सामने जो लश्कर था वो 1000 का था। तो बहरहाल असहाबे बद्र के ताल्लुक हज़रत जिब्रील अमीन आए और अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह तमाम सहाबा में असहाबे बद्र का क्या मकाम है, आप असहाबे बद्र को क्या शुमार करते हैं। सरकार ने फरमाया कि असहाबे बद्र तमाम सहाबा में सबसे अफजल हैं। तो हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह हमारे यहाँ फरिश्तों का भी यही हाल है, जो फरिश्ते बद्र में हाजिर हुए थे वो तमाम फरिश्तों से अफजल है, वो तमाम फरिश्तों से अफजल है जो बद्र में शरीक हुए थे। तो ये असहाबे बद्र का बड़ा आला मकाम है, अल्लाह ने इनके लिए माफ़ी का ऐलान फरमाया है। तो बहरहाल हज़रत मिस्ताह इब्ने उसासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ये बद्री सहाबी थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खाला के बेटे थे और बिल्कुल गरीब थे, वो बहुत गरीब थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनका ख़र्चा उठाते थे, इनका सारा खाने पीने का जो खर्च था इंतज़ाम था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक करते थे सिला रहमी के तौर पर। जब इन्होंने हज़रत आयशा पर तोहमत लगाने में हिस्सा लिया तो इन्होंने कसम खा ली, अबू बकर सिद्दीक ने कसम खाई, अल्लाह की कसम अब मैं कभी भी मिस्ताह पर कुछ खर्च नहीं करूँगा, इन्हें कुछ नहीं दूँगा। इन्होंने कसम खा ली तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आयत मुबारक नाजिल फरमाई, वला या अतली यानी जो तुम में से अहले फजल हैं फजलत वाले हैं और रिस्क वाले हैं वसात वाले हैं उन्हें चाहिए कि वो कसम न खाएं, वो कसम न खाएं। क्या वो ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये आयत सुनी तो उन्होंने फौरन कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। इन्होंने अपनी कसम तोड़ दी और इन्होंने कहा कि मैं मिस्ता पर हमेशा खर्च करता रहूँगा, उन्हें नानो नफका देता रहूँगा। इन्होंने वापस से यानी कि उनका नफका उनका खर्च जारी कर दिया, उन्हें खिलाने पिलाने लगे और अपनी कसम का कफ़ारा अदा किया कि जो मैं यानी कसम खा ली थी तो उसका कफ़ारा अदा किया और हज़रत मिस्ता इब्ने उसासा पर खर्च करना दोबारा शुरू कर दिया। हज़रत मिस्ता इब्ने उसासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात जो है वो 56 साल की उम्र में सन हिजरी 34 में हुई है, बाज़ रिवायतों में 37 भी आता है लेकिन यानी सही ये है कि 34 में आपकी वफ़ात हुई। 32 में वो दोनों भाई हुसैन इब्ने हारिस और तुफैल इब्ने हारिस और ये जो है 34 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब पर रहमतें नाजिल फरमाए और इनके सदके हम सब की मगफ़रतें फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।